वेलकम टू बियर किचन फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपने किचन में काबुली चने का कबाब बनाते हैं। उसको आप टिक्की भी कह सकते हो, पैटीज भी कह सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। चलिए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मेरा बॉईल किया हुआ काबुली चना है, इसको मैंने रात में सोख करके रखा था नमक डाल करके पानी में। बॉईल्ड आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, जिंजर गार्लिक एंड नींबू। इसको मैंने रात में नमक डाल के भिगो करके रख दिया था और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। इतना बॉईल होना चाहिए कि हाथ से अच्छे से ये दब जाए। इसके साथ ही मैं जीरा, धनिया और लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी, चाट मसाला और सादा नमक। और ये बहुत प्रोटीन से भरा होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सबसे पहले मैं प्याज को काट के उसको बारीक बारीक कट कर लूंगी और उसको तवे पर सॉटे कर लूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लूंगी एंड ग्रीन चिली भी डाल दूंगी। अपना कोरिएंडर लीव्स को मैंने कट कर लिया है, आप इसमें पुदीने का भी पत्ता डाल सकते हो। और मैंने अपना काबुली चना और आलू जो है अच्छे से मैश कर लिया है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा ही होना चाहिए, प्याज को मुझे ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट, सॉल्ट, जीरा, धनिया और नींबू। आप चाट मसाला जरूर डालिए और नींबू भी डालिए, नींबू का टेस्ट भी बहुत अच्छा जाता है। नींबू के खट्टेपन में एक फ्रेशनेस होती है, तो अगर कबाब में सब चीज में यूज किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ये देखिए मेरा अच्छा सा पेस्ट बन गया है। आप इसको अभी भी बना सकते हो अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा लूज लग रहा है। कई बार होता है इसकी टिक्की बनने के बाद वो इजीली टूटने लगती है, तो मैं ये भुने चने के आटे का पाउडर है मैं ये डाल रही हूँ। इससे हमारी टिक्की एकदम अच्छी सी बनेगी। ये मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, इसमें मैं बटर लगाऊंगी। आप देसी घी या रिफाइंड जिससे बनाना चाहो बना सकते हो, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैंने बटर यूज़ किया है। मैंने सारे अपने पेस्ट को टिक्की के शेप में कर लिया है और मैं एक एक को बनाती जाऊंगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जब भी आप छोले बनाने वाले हो थोड़ा एक्स्ट्रा चने उबाल लो और फिर आपकी ये टिक्की कबाब आपके रेडी हैं। मैंने थोड़ा बटर सॉफ्ट करके रखा है और उसको मैं इस तरीके से लगाना प्रेफर करती हूँ, तो बराबर से लग जाता है। आप एक फोक से लेकर के लगा सकते हो। जब एक तरफ थोड़ा पक जाएगा फिर मैं इसको पलट के दूसरी तरफ पकाऊंगी। मुझे इसको दोनों तरफ से पलट के अच्छे से पकाना है और इस पे हल्की सी जब लाइन आने लगेंगी, ये आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हो। आपको ज़्यादा अगर डार्क पसंद आता है तो आप डार्क कर सकते हो और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। किसी डिप के साथ चीज़ डिप आप ले सकते हो, सॉस ले सकते हो, आप घर की चटनी ले सकते हो। मैं इसको सैलड के साथ सर्व करने वाली हूँ। ये देखिए मेरा पक गया है, थोड़ा सा बटर मैं दूसरी तरफ भी लगा दूंगी और इसको फिर से एक बार पलट के पकाऊंगी, फिर मैं इसको सर्व करने की तैयारी करती हूँ। ये मुझे एक ध्यान से एक एक उठा करके रखना होगा, इसको मैं सैलड के साथ रख रही हूँ। मेरा कैप्सिकम, कैरेट और अनियन का सैलेड है, उसमें मैंने नींबू छिड़क के रखा हुआ है। इसको मैं इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी और नींबू के साथ सर्व करूंगी। खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।